हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं ब्रॉड पान नेक की कटिंग किस तरीके से की जाती है। तो फ्रेंड्स, यहां पर आप देख सकते हैं नेक का ब्रॉड काफ़ी है और इसका डीप भी मैंने 12 इंच का लिया हुआ है। फिटिंग आप देख सकते हैं, ये कस्टमर का पहना हुआ ब्लाउज है, परफेक्ट तरीके से बॉडी में बैठा हुआ है। तो इसकी हम कटिंग किस तरीके से करेंगे, कितना हमें शोल्डर रखना है, कितना हमें आर्मोल डाउन करना है, इसके लिए आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम इसकी कटिंग शुरू करते हैं। मेजरमेंट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मटेरियल है ऑर्गेंजा, तो इसमें पूरा स्टोन से भरा हुआ वर्क किया हुआ है। इसमें हमें पान गला करना है। नीचे से हम एक स्ट्रेट लाइन कर लेंगे और हाफ इंच हम कमर की मार्जिन का मार्किंग करेंगे। अब हम ब्लाउज की लेंथ लेंगे। 14 इंच की लेंथ है तो उसमें हम 1 इंच टोटल ऊपर और नीचे का ऐड करके 15 में मार्किंग करेंगे। आर्मोल डाउन करेंगे हम 6.75 इंच में। एक बार हम मेन मेजरमेंट लिख लेते हैं। 29 इंच की कमर है, 34 इंच अपर चेस्ट है और फुल बस का मेजरमेंट है 37 इंच। 14.5 इंच का शोल्डर है। अब हम शोल्डर की मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पर हमें डीप नेक करना है, लेकिन हम पहले फुल शोल्डर का मेजरमेंट लगाएंगे। 14.5 इंच का शोल्डर है तो अब हम इसका हाफ करेंगे, 7.25 में मार्किंग करेंगे। कमर के मेजरमेंट की मार्किंग करेंगे। 29 इंच की कमर है तो उसका 1/4 निकालेंगे, 7.25 में मार्किंग करके उसमें 1 इंच हम टक्स के लिए मार्क करेंगे और 1.5 इंच का हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। अपर चेस्ट का मार्किंग कर लेंगे। 34 इंच की अपर चेस्ट है तो उसका हम 1/4 निकालेंगे, 8.5 इंच, तो उसमें से हमें 1/2 इंच माइनस करना है और उसके बाद 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लगाना है। चेस्ट के पॉइंट से हम कमर के पॉइंट को स्ट्रेट लाइन करेंगे। ये हमारी फिटिंग का मार्किंग है। आगे हम 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे। अब हम शोल्डर माइनस करेंगे। 12 इंच का डीप है तो उसके हिसाब से हमें माइनस करना है। यहाँ पर मैं 3 इंच माइनस करनी हूँ, तो यहाँ पर टोटल हमारा शोल्डर अभी है 9 इंच का। उसका हाफ करके हम 4.5 में मार्किंग कर लेंगे। नीचे हमें शोल्डर के मार्जिन में 1 इंच और ऐड करके मार्किंग करना है। तो 9 इंच का ऊपर हमारा शोल्डर है तो उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे, 10 इंच हुआ। 10 इंच का हाफ करके हमें नीचे 5 में मार्किंग करना है। यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि ये जो हम शोल्डर अभी कटिंग कर रहे हैं, ये हर किसी ब्लाउज में नहीं लगेगा। नेक डीप के हिसाब से शोल्डर चेंज होता रहता है। इस ब्लाउज का नेक का डीप 12 इंच है और ब्रॉडनेस भी बहुत ज़्यादा है, इसके लिए मैंने 9 इंच का शोल्डर रखा है। इसके लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप लोग पेपर कटिंग करके उसको संभाल के रखना छोड़ दीजिए। आप डायरेक्ट कटिंग सीखेंगे तो इसके हिसाब से आपके फिटिंग में कोई भी कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि बॉडी मेजरमेंट तो कभी भी 19-20 चेंज होता रहता है। यहाँ पर हमने आर्मोल चेक करना है। जितना हमारा आर्मोल आया है उसका हाफ रेडी आना चाहिए। तो 16 इंच का हमारा यहाँ पे आर्मोल है तो 8 इंच रेडी आ गया है। बैक डार्ट के लिए मार्किंग करेंगे। 4 इंच में मार्किंग करके हम साइड से 1/2 इंच का मार्क कर लेंगे। डार्ट की लेंथ लेंगे 3.5 इंच की, क्योंकि यहाँ पर हमें ब्रॉड नेक करना है और डीप है, उस हिसाब से हम इसकी लेंथ कम कर रहे हैं। डार्ट का जो सेंटर वाला पॉइंट है वहाँ से हम 1/2 इंच ऊपर की तरफ कमर की साइड में मार्किंग करेंगे। रेडी शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। रेडी शोल्डर हमें 1/4 इंच का रखना है, 1.25 इंच का रेडी आना चाहिए। नेक की विड्थ का मार्किंग हो गया 2.5 इंच में। अब यहाँ पर हमें डीप लगाना है, तो उससे पहले मैं आपको दिखा देना चाहती हूँ यहाँ पे जो वर्क किया हुआ है इसके हिसाब से हमें डीप लगाना है। तो यहाँ पर हमारा जहाँ पर तक ज़्यादा हमारे स्टोन चिपके हुए हैं तो वहाँ पर हमें सेंटर में पान का पॉइंट लेके आना है। जो हमारी बैक की पट्टी बनेगी 2.5 इंच की बनेगी। अब विड्थ लगाएंगे हम 4 इंच में। अब नेक का शेप लगा लेंगे।
तो यहाँ पर हमें ब्रॉड पान करना है। तो जो हमने बॉक्स बनाया है उससे बाहर हमें मार्किंग को लेके जाना है। यहाँ पर शेप हमें बाहर की साइड लेना है, तभी ब्रॉड आएगा। यहाँ पर हमारे बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम ब्लाउज ले लेंगे, ब्लाउज के कपड़े में इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारे जो स्टोन है उसका पहले हमें सेंटर निकाल लेना है। सेंटर निकाल के इसके ऊपर रख के हमें अस्तर की कटिंग करनी है। ऑर्गेंजा बहुत ही ट्रांसपेरेंट रहता है, इसके लिए इसमें मैंने फिजिंग को पेश किया हुआ है। शॉर्ट वीडियो में मैंने बताया है कि फिजिंग को किस तरीके से ब्लाउज में पेश किया जाता है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अब पेपर कैनवास पे हम नेक की कटिंग कर लेंगे। जो हमने कपड़े पे किया हुआ है उसी शेप को हमें ड्रॉ करना है पेपर पेस्टिंग के ऊपर। नेक की हम कटिंग कर लेंगे। जहां पर हमने मार्क किया हुआ है वहीं पे हमें कटिंग करना है। एक इंच का गैप देके साइड से हम पेपर कैनवास की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर आप पान का शेप देख सकते हैं, कितना परफेक्ट तरीके से पान का शेप आया है। अब हम अस्तर पर इसे स्टिक कर लेंगे और इसके चारों तरफ से हाफ हाफ इंच का कपड़ा छोड़ के कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर मैं दोनों पार्ट को ले लूँगी और कमर में हम हाफ इंच का गैप देके स्टिच लगाएंगे। नीचे कमर में स्टोन ना टूटे इसके लिए हमें सिंगल फुट का यूज करना है। अगर सिंगल फुट लगाएंगे तो हम एकदम से स्टोन के किनारे में स्टिचिंग आएगी। अब हम इसको पट्टी रख के पलट लेंगे। अब हम इसके ऊपर कमर पट्टी को रखेंगे, फिर से हमें सेम जगह में स्टिच लगाना है। पट्टी को हम पीछे की साइड पलट लेंगे, फिर अस्तर के ऊपर हमें स्टिच लगाना है। हम ब्लाउज के कपड़े को एक साइड करेंगे और अस्तर के कपड़े को एक साइड करेंगे। अब हम पट्टी के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। एक दाब का हम गैप देंगे, उसके ऊपर हमारा अच्छे से सिलाई बैठ जाएगा। अब हमें पट्टी को अंदर की साइड हाफ इंच फोल्ड करना है और किनारे में हम सिलाई लगाएंगे। अस्तर को हमें अंदर की साइड फोल्ड कर लेना है। अब हमें चारों तरफ से इसे 5 नंबर का स्टिच देके फिक्स कर लेना है। तो इस तरीके से हम किनारे में स्टिच लगाएंगे। अस्तर और ब्लाउज के कपड़े के बीच में ज़्यादा गैप ना रहे इसके लिए हमें हाथ से अस्तर और मेन फैब्रिक के कपड़े को बाहर की तरफ निकालते रहना है। अब हम नीचे कमर में किनारे में सिलाई लगा लेंगे, इससे हमारा अंदर का अस्तर का कपड़ा बाहर की साइड निकलेगा नहीं। लेकिन यहाँ पर हमें मशीन आराम से चलानी है क्योंकि स्टोन है, इस हिसाब से हाथ के ऊपर भी नीडल आ सकती है, तो इस चीज़ में आपको ध्यान देना है और हाथ से मशीन को ज़्यादातर चलाना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं फिनिशिंग कितने अच्छे से आई हुई है और अंदर से जरी और स्टोन बिल्कुल भी टूटे नहीं है। अब हम साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। नेक कैनवास को मैंने अस्तर के ऊपर स्टिक करके रखा है। अब इसके चारों तरफ से हम हाफ इंच का कपड़ा अंदर की साइड फोल्ड करके स्टिच लगा लेंगे। कैनवास को हम मेन ब्लाउज के ऊपर रख लेंगे, इसका हमें सेंटर निकालना है। सेंटर निकाल के मार्क कर लेना है पहले। अब हम ब्लाउज का भी सेंटर निकाल लेंगे। नेक को मैंने ब्लाउज के ऊपर रख लिया है। अब मैं इसके कैनवास के किनारे किनारे में सिलाई लगा लूंगी। तो इस तरीके से हमें कपड़े के ऊपर सिलाई लगानी है, कैनवास के ऊपर स्टिच नहीं आना चाहिए। जो हमारा पान का पॉइंट है यहाँ पे ध्यान देना है, स्टोन भी है तो इसके लिए यहाँ पे हमें हाथ से करना है। तो इस तरीके से हम पूरे कैनवास में स्टिचिंग लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अंदर के एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें 1/4 इंच का गैप रखना है, उसके बाद कटिंग करना है, कैनवास को कट नहीं करना है। अब हम इसके अंदर
पॉइंट में कट लगा लेंगे जहाँ पर हमारा पान का पॉइंट है, और साइड से भी हमें छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। कट लगाने से ये होता है कि हम जब कैनवास को अंदर की साइड पलटते हैं तो फिनिशिंग के साथ अंदर पूरा चला जाता है, बाहर उसका कपड़ा नहीं निकलता है। मैं कैनवास को अंदर की साइड पलटना है तो पहले हम इस तरीके से इसे ओपन कर लेंगे। अब कैनवास के हम किनारे में सिलाई लगा लेंगे, इससे अच्छे से और फिनिशिंग आती है। जब हम कैनवास के किनारे में सिलाई लगाते हैं तो पूरा हमारा जो शेप रहता है परफेक्ट तरीके से दिखता है, बिल्कुल भी बाहर का कपड़ा हमारा सरकता नहीं है। तो आप इस चीज़ का ध्यान देंगे तो बहुत अच्छे से फिनिशिंग आती है नेक में। कैनवास को हम अंदर साइड पलट लेंगे। अब हम इसे अच्छे से प्रेस कर लेंगे क्योंकि मुझे इसके किनारे में सिलाई नहीं देना है। अंदर से हम कैनवास को हेमिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं आप नेक का शेप कितना परफेक्ट तरीके से आया है। तो इस ब्लाउज के लिए मैंने हैंडमेड टेसल्स भी बनाए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप टेसल का वीडियो देख सकते हैं और यहाँ पर आप एक बार फिटिंग देख लीजिए। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद जरूर आई होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।